हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपने देखिए रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, जिसके अपने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, पार्ट टू कर चुके हैं, पार्ट थ्री में अपने क्या करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। आज देखिए अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन के। चेंज ऑफ प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिपीट करता हूं हमने क्या किया था। हमने ये किया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अपना ये रूल बना था एस ओ एन एक्टिक सी, इसको याद रखना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ रहे थे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, ये था अपने पास। तो बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में यू, योवर, यू, ये था अपने पास, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में ही, हिज। आप हमेशा जब भी याद करो इसी तरह से करना और इसी तरह से लिखना, फिर अपनी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट या एनी नेम, ये क्या होंगे, नो चेंज। थर्ड पर्सन होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। चेंज कैसे होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं अपने, कुछ और करते हैं। ही, सेज, To me, I can teach him. I can teach him. देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, ठीक है। से टू को टेल में और से टू को टोल में चेंज करते हैं। अपने पास क्या है, सेज टू, ठीक है। क्या होगा, He tells me. वही बात। अब हमें इन्वर्टेड कॉमाज को हटाना है। आपको बताया गया इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के बाद हम कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करते हैं, कहां, सिंपल सेंटेंसेज में, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट। अब देखिए प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। आई क्या है अपना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखिए आई, ये रहा आई अपने पास, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज करूंगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, आई का स्टेटमेंट यहाँ है और ही वाला यहाँ है, देखिए। तो आई के सामने अपने क्या है, चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ही का क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। देखो आई के साथ एम, यहाँ पे कैन दिया हुआ, तो ही के साथ भी क्या आ जाएगा, कैन। देखिए वैसे तो कैन कुड में चेंज होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था टेंस कहाँ चेंज किया जाता है, हमेशा पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, टेंस को कभी भी, यानी कि वर्ब में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। टीच का टीच आ जाएगा। अब देखिए हिम, हिम बताओ क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है तो हिम को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, तो हिम का हिम यहाँ हम लिख देंगे, नेक्स्ट क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो अपना आंसर क्या बना, ही टेल्स मी दैट ही कैन टीच हिम। और एग्जांपल्स करते हैं, अपने तीन चार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी सेज टू अमन, आई एम प्लेइंग टेनिस, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो सी का सी, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेनिस में, फिर अमन का अमन। अब इन्वर्टेड को मैं हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सी, ठीक है। देखो कैसे, आई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो हमें क्या चाहिए, इसको लेके आना है। आई को तो हटाना होता है, चेंज करने का मतलब जो यहाँ है उसको हटा दो और इसके अकॉर्डिंग उसको ले आओ, ठीक है। सी, अब एम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इच, प्लेइंग का प्लेइंग, फिर क्या आ जाएगा, टेनिस। देखो तो क्या आंसर बन गया आपके पास, सी टेल्स अमन दैट सी इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमित सेज टू करण, आई एम
doing my work. क्या हमने अपने पास अमित says to Karan, I am doing my work. देखिए आंसर क्या बने, अमित tells Karan. यहां तक हो चुका है. फिर इनवर्टेड कॉमा यहां आएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट. फिर हमने क्या किया, इनवर्टेड कॉमा को घटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा, दैट. अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा. देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज, सब्जेक्ट के अनुसार. अब देखो यहाँ पे अमित किसी का नेम है, किसी बॉय का नेम है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, किसी लड़की का नेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमित एक बॉय है तो ही आ जाएगा. फिर इज डूइंग. अब देखो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार. देखो हमने अमित को ही किया है तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हिच. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिच. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वर्क. क्या बना अपने पास, अमित टेल्स करण दैट ही इज डूइंग हिज वर्क. एक एग्जांपल और करते हैं, ही सेज टू मी आई विल हेल्प यू. क्या बना, ही सेज टू मी आई विल हेल्प यू. ठीक है, तो क्या आंसर होगा, देखिए ही टेल्स मी, फिर कॉमा हटाए तो क्या आ जाएगा, दैट. ही टेल्स मी दैट. आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार. वही बात, इसको हटा के इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आना है. तो ही क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है किसी भी प्रोनाउन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही. फिर विल का विल, हेल्प का हेल्प. देखो यू सेकेंड पर्सन होता है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार. देखिए अपने पास क्या था, आई माई मी. ठीक है, यू वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू योर यू. ठीक है, कहने का मतलब यू को हटाना है, किस क्या आएगा यहाँ पे, मी. क्या आ जाएगा, ही विल हेल्प मी, और अपना क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप. ठीक है, एक बार फिर देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं. एग्जाम्पल्स का स्क्रीन शॉट ले लिया आप सभी ने. अब देखिए नेक्स्ट पेज करते हैं अपने, रूल नंबर 4. ठीक है, तीन रूल अपने कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, चेंज ऑफ टेंस या वर्ब. चेंज ऑफ टेंस या वर्ब की चेंजिंग कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से समझना. इसकी चेंजिंग हम वहां करेंगे जहां हमें सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में मिला. इतना सा ध्यान रखना, जहां हमें सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में मिल रहा है वहां हम किसका यूज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस या वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज हम कभी भी नहीं करेंगे. देखो कैसे होता है मैं बताता हूं. फर्स्ट देखिए, अपने टेंस के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करते हैं. देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, आपने देखा होगा सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस होता है. जब अपने इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है. अपने अलग से लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस या ईएस होगा. तो हम इसको क्या बना देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना देंगे. ठीक है, क्या बना देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना देंगे. नेक्स्ट चेंजिंग क्या करेंगे, देखो इनके एग्जांपल्स करेंगे अपने बाद में, एक बार फिर रिपीट करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे. ठीक है, यानी कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसी, इसको हम क्या बना देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना देंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे. कहने का मतलब इज एम आर, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, वाज और वर में. इसमें किस, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे. ठीक है, आर का वर हो जाएगा, इज और एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट
परफेक्ट टेंस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। हैज और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही रहती है। इस चीज को कभी मत भूलना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में है या किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, अपने सोचते हैं टेंस के अकॉर्डिंग याद में जाएगा तो अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, एज वर्ब किस में हो गया, वाज वर्ब में, हैज किस में हो गया, हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे देखते हैं। देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे देखते हैं। अपने फोर्थ नंबर ये कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस में। तो क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। इनकी चेंजिंग कैसे होती है, एग्जाम्पल वन वन का सभी करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट पे चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। कहने का मतलब, वाज वर किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। मैन चेंजिंग सारी अपनी यही होती है, आगे उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट, वो कभी चेंज नहीं होता। मैं लिख देता हूं एक बार, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो क्या आ जाएगा, नो चेंज। इसके अलावा कुछ और चेंजिंग होती है, देखिए, विल, वुड में, सेल, शुड में चेंज हो जाता है, कैन, कुड में, मे, माइट में, ये इस तरह से चेंजिंग हो जाती है, विल, वुड में, सेल, शुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में। उसके बाद देखिए कुछ और बताता हूं मैं आपको, यहां लिख रहा हूं नाइन नंबर, देखिए, कुड, शुड, माइट, वुड, ये कभी भी चेंज नहीं होते, नो चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बी एस सी सेड टू मी ही कुड डू दिस, तो कुड का क्या हो जाएगा, कुड रह जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होते। और देखिए, do और does, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ये क्या बन जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसको भी याद रखना, do does के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो ये चेंज होकर क्या बन जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अपने फोर रोल्स कर चुके हैं, अब करते हैं रोल नंबर फाइव। ठीक है, एक बार फोर्थ रोल को फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉर्ट में,
सॉल्ट में रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने आपको टेंस के अकॉर्डिंग बताया, उनके अंदर ही अपने कर रहे थे। देखो सॉल्ट में डायरेक्ट याद कर सकते हैं कैसे, टेंस में नहीं पढ़ना। एचएमआर किस में चेंज हो जाएगा? वाचवर्ब में। एचएमआर किस में चेंज हो गया? वाचवर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाचवर्ब किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। देखो स्टेप बाय स्टेप, एचएमआर वाचवर्ब में, वाचवर्ब किस में चेंज हो रहा हैड में, इसको क्या बोल रहे थे अपने, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब। एचएमआर वाचवर्ब में, वाचवर्ब हैड बीन में, हैज किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। नेक्स्ट देखिए डिड, डिड किस में चेंज हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, डू डच या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फिर देखिए नेक्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रही थी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो रिपीट कर रहा हूं, इजमर वाचवर्ब में, वाचवर्ब किस में चेंज हो रहा है? हैड बीन में। हैज किस में चेंज हो रहा है? हैड में। डिस किस में चेंज हो रहा है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रही है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस किस में चेंज हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। देखो डायरेक्ट चलते जा रहे हैं अपने, इधर उधर घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है अपने को। राइट आंसर देखिए, इजमर वाचवर्ब में, वाचवर्ब हैड बीन में, हैज हैड में, डिड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डू डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस किस में चेंज हो रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फिर देखिए नेक्स्ट पे, विल वुड में, कैन कुड में, शैल शुड में, मे माइट में। ठीक है, और देखिए और कुछ क्या बताया था मैंने आपको जो चेंज नहीं होते, वुड का वुड रहेगा, सुट का सुट रहेगा, माइट का माइट रहेगा, और कुड का कुड। इनके एग्जांपल्स अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके और प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। अपने रोल नंबर 5 देखते हैं, देखिए इसमें करेंगे अपने चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। देखिए चेंज ऑफ टाइम में क्या क्या होता है आराम से। फर्स्ट देखिए, दिस दैट में चेंज होता है। ठीक है, ये चेंजिंग कहां करनी है? जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा अपने पास, सेड टू, से टू और सेज टू में, विल से, इनमें ये चेंजिंग नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, दिस का दैट, दीज उसमें चेंज हो जाएगा, दोज में। देखिए हेयर देयर में चेंज करते हैं। ठीक है, दिस दैट में चेंज करते हैं, दीज दोज में चेंज करते हैं, हेयर देयर में चेंज करते हैं, थस सो में चेंज करते हैं, एगो बिफोर में चेंज करते हैं। ठीक है, साथ साथ बोलते रहिए, याद हो जाएंगे। दिस दैट में, दीज दोज में, थस सो में, हेयर देयर में, एगो बिफोर में चेंज करते हैं। टुडे देखिए किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। टुमारो, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। ठीक है, टुमारो भी इसमें चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, थस सो में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे। द प्रीवियस डे में। ठीक है, अपने जैसे टुडे, टू नाइट होता तो किस में चेंज होता? दैट नाइट में। टू नाइट किस में चेंज होता? दैट में। फिर देखिए, दिस दैट दीज दोज थस सो में एगो बिफोर में यस्टरडे प्रीवियस डे में टुमारो द नेक्स्ट डे में टू नाइट दैट नाइट में टुडे दैट डे में। ठीक है, नाउ
देन में चेंज हो जाएगा, नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो गया। इंपॉर्टेंट एक बार फिर देखिए, चेंज ऑफ वर्ब इज जब आप वाज में, वाज वर्ब हैड बीन में है, जब हैड में डिड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सर ऐसी है, किसमें चेंज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड कभी चेंज नहीं होता, शुड कभी चेंज नहीं होता, माइट कभी चेंज नहीं होता और कुड कभी चेंज नहीं होता। ये कब करते हैं, जब हमें क्या मिले रिपोर्टिंग वर्ब में, सैड टू मिलता है। फिर आगे देखिए, चेंज ऑफ टाइप, दिस दैट में होता है, दीज दोज में होता है, हियर देयर में होता है, थस सो में होता है, गो बिफोर में होता है, टुडे दैट डे में होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुनाइट किस में होता है, दैट नाइट में, नाउ किस में होता है, देन में। ये अपनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स होती है, करते कैसे अपने एग्जांपल्स में, वन बाय वन इसको आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अपने रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 कर चुके हैं, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अब देखिए अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मिक्स एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा, वर्ब भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स, ठीक है, ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स। देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझना धीरे धीरे, अपने को क्या मिला है, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है सबसे पहले। देखो रिपोर्टिंग वर्ब 3 हो सकती है, या तो से टू होगी आपके पास, या सेज टू होगी, ठीक है, या क्या होगी, सेड टू होगी, ठीक है, या तो से टू होगी, या सेज टू होगी, या सेड टू होगी। अपने पहले ही बात कर चुके हैं, से टू को टेल में चेंज करते हैं, किसमें, टेल में, सेज टू को टेल्स में, और से टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में, ठीक है। तो देखिए, ही टोल्ड Me. Said to किस में चेंज हो जाएगा? Told में, तो क्या बना? He told me. अब ये normal sentence है, ना interrogative, ना imperative, ना exclamatory, ना ही optative. तो हम conjunction, inverted comma को हटाएंगे तो conjunction क्या आ जाएगा हमारे पास? That. जैसे से मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, बार बार हर चीज clear हो जाएगी। He told me. Inverted comma को हटाया मैंने तो क्या आ गया? That. अब देखिए, I क्या है? First person. किसके अनुसार चेंज होगा? Subject के अनुसार। I क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। आई की फर्स्ट फॉर्म आई होती है, मतलब इसको हटाना है और इसके अकॉर्डिंग लेके आना है। तो ई की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ही होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। अब देखिए, ईट, देखो अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, से टू या सेज टू होता, तो हम ईट का एट लिखते, ठीक है, ईट का एट लिख देते। लेकिन अब ये क्या है, सेड टू अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है, मतलब ये पास्ट टेंस है। जब भी पास्ट टेंस होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सारी चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो ईट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना। एट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। लास्ट में मैंने जहां आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट, ए टी ई, एट। और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ये भी याद करना। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हमें क्या चाहिए? ओनली सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या आ जाएगा? ए टी ई, एट, और स्वीट्स का स्वीट्स, ठीक है। क्या बन गया? कहने का मतलब, डायरेक्ट स्पीच से जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसका हिंदी अर्थ कभी भी चेंज नहीं होते, उसके शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अपने शब्दों में बोलते हैं। तो क्या आंसर आया? ही टोल्ड मी दैट ही एट स्वीट्स। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। और देखिए क्या बनेगा, वो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो क्या बना? ही टोल्ड मी, फिर क्या आ गया? दैट। ही टोल्ड मी दैट, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सेम स्टेप, तो क्या आ जाएगा? ही आ गया। देखिए भाई, इच एम आर हम किस में चेंज करते हैं? वाज में चेंज करते हैं। ही हमारा क्या है? सिंगुलर है। इज एम आर हम किस में चेंज करते हैं? वाज या वर में चेंज करते हैं। तो ही हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वाज, ठीक है। वाचिंग का वाचिंग, टीवी का टीवी, नाउ किस में चेंज होगा? देन में, ठीक है। नाउ किस में चेंज होता है? देन में। हम चेंज ऑफ टाइम में पढ़ के आ चुके हैं कुछ चीजें, उसमें आप देखना वापिस,
नाउ किस में चेंज था, देन में तो हम इसको यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं, तो आंसर क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वाज वाचिंग टीवी देन। नेक्स्ट पे देखिए, रमन सेड टू अमृता आई हैव सीन हर टुडे, आई हैव सीन हर टुडे। देखिए कैसे बनेगा, रमन टोल्ड अमृता, रमन टोल्ड अमृता, फिर क्या आ जाएगा इन्वर्टेड को हटाएंगे तो हमारे पास दैट आई, देखो क्या है फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखिए रमन किसी का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। देखिए अब आपको बताया था हैज हैव, दोनों हैज और हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में, हैज और हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में चेंज होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड, सीन का सीन, ठीक है। हमेशा याद रखना हैज है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों को दी होती है, तो सीन का सीन आ गया। आप देखो हर, हर क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो हर का हर आ जाएगा। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बना, रमन टोल्ड अमृता दैट ही हैड सीन हर दैट डे। देखिए अपने तीन एग्जांपल्स कर चुके हैं, रमन सेड टू अमिता आई हैव सीन हर टुडे, रमन टोल्ड अमिता दैट ही हैड सीन हर दैट डे। फोर्थ एग्जांपल करते हैं, संदीप सेड टू मी आई रोट हिंदी, आई रोट हिंदी, ठीक है, और बढ़ा देते हैं इसको अपने, I wrote Hindi for an hour, ठीक है, मैं एक घंटे से हिंदी लिख रहा था या लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा, I wrote Hindi for an hour। देखिए क्या बनेगा, संदीप told me, फिर क्या आ जाएगा that, ठीक है, संदीप told me that, I क्या है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो क्या बन जाएगा, हैड रिटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी किस में चलेगी, हैड रिटन, फिर हिंदी फॉर एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संदीप सेड टू सचिन, संदीप सेड टू सचिन आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर, I have been working for 2 hours, तो क्या बनेंगे, संदीप told सचिन, देखो संदीप told सचिन, फिर that आ जाएगा, I क्या है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। अब has या किस में चेंज होते हैं, हैड में, has या किस में चेंज होते हैं, हैड में, फिर been ये आ जाएगा working फोर टू आवर, ठीक है, फोर टू आवर्स या आवर क्या बना, दैट सी हैड बीन, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है, मैंने तो यहां पे ही हो जाएगा, तो दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, संदीप सेड टू सचिन आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, तो अपने पास क्या बनेगा, संदीप टोल्ड सचिन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार संदीप, बॉय का नेम है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, हैड या हैड में, फिर बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। yeah!